तो हाय गाइस, आज का हमारा ये जो वीडियो है कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप यहां पर साइड में देख सकते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम हर डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर में होता है, शट डाउन प्रॉब्लम होती है। जैसे शट डाउन मतलब करते हो तो उसमें कुछ अपडेटिंग प्रॉब्लम, कुछ अपडेट मांगता है, 1 मिनट 10 मिनट 5 मिनट मतलब कुछ इस टाइप का, तब जाके आपका जो विंडोज है वो शट डाउन होता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसे ठीक करना सीखेंगे कि इस प्रॉब्लम को, शट डाउन अपडेटिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चलिए मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर मैं वहीं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाता है। तो चलिए मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन, तो सिंपली आपको विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड gpedit.msc टाइप कर देना है। विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ के इस टाइप का खुल के आएगा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम से। एंड अब आपको क्या करना है, यूजर यहाँ पर कौन, यहाँ पर देखिए यूजर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडमिनिस्टर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स खुल के आएगा एंड यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का ऑप्शन खुल के आएगा। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको विंडोज़ कंपोनेंट पे क्लिक कर देना है। विंडोज़ जैसे कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुल के आएगा। एंड यहाँ पर आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर विंडोज़ अपडेट पे एक ऑप्शन मिलेगा, विंडोज़ अपडेट करके आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। विंडोज़ अपडेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट इंटरफेस है, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिस टाइप का मैं कर रहा हूँ उसको सिंपली फॉलो करना है। कुछ इस टाइप का खुल के आएगा ऑप्शन विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करने पे, एंड यहाँ पर सेटिंग्स खुल के आएगा थर्ड वाले, जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है, डू नॉट एडजस्ट डिफॉल्ट ऑप्शन टू इंस्टॉल अपडेट्स एंड शट डाउन इन शट डाउन विंडोज़। तो सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्स में खुल के आएगा कि ये जो शट डाउन प्रॉब्लम है क्यों होती है। तो यहाँ पर लिखा है नॉट कॉन्फिगरेशन, यहाँ पर देखिए जो इनेबल का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इनेबल कर देना है, जिसके कारण से आपका जो शट डाउन प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए फिक्स्ड हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सिंपली आपको आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में खुल के आएगा एंड इनेबल पर क्लिक कर देना है। इनेबल पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका जो शट डाउन प्रॉब्लम, अपडेटिंग प्रॉब्लम 30 सेकंड 60 सेकंड 1 मिनट 5 मिनट का होता था, वो अब खत्म हो जाएगा, अप्लाई करके ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप सिंपल से सिंपल तरीके से, मैंने जो अभी स्टेप बताया सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और इस प्रॉब्लम से फिक्स्ड एंड छुटकारा पा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आपका जो कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप जो है वो तुरंत जाके शट डाउन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो शट डाउन ऑपरेटिंग, मतलब शट डाउन जो मैं करता था, वो यहाँ पर एक वायरस जैसा ऑप्शन आता था, वो यहाँ पर गायब हो गया है। तो सिंपल से यहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर को इजीली शट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ जानकारी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी ऐसे जानकारी पाकर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टैक्स रिलेटेड, टिप्स रिलेटेड वीडियोज़ को बनाता रहता हूँ आपके लिए। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।